नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला भी शांत नहीं हुआ कि रुद्रपुर में नर्स के साथ उसी तरह की घटना सामने आ गई। बीते 30 जुलाई को रुद्रपुर के एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसी के स्टाफ से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी स्टूडेंट के रेप और मर्डर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल सुरता पाल का घेराव किया और उनसे पूछा कि इस बारे में कॉलेज प्रशासन आगे क्या कर रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि छात्रों को किसी न किसी पर तो भरोसा करना होगा, आपको कम से कम मुझ पर विश्वास करना होगा, आपको मुझे कम से कम एक घंटा तो देना ही होगा, तभी मैं कुछ बता पाऊंगी। इससे पहले सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले की जांच शुरू कर दी। अभी तक सीबीआई ने कुछ डॉक्टरों से पूछताछ की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने गुरुवार को राज्यपाल सीबी आनंद बोस से मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें इस मामले में पूरा इंसाफ दिलाने का वादा किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि आपको न्याय मिलेगा, मैं आपको यहां सुनने आया हूं, मैं आपके साथ हूं, हम इससे लड़ेंगे और जीतेंगे, हम साथ मिलकर काम करेंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए हत्या और बलात्कार के मामले में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच बुधवार की देर रात भीड़ के एकजुट ने अस्पताल परिसर में घुसकर खूब तोड़फोड़ मचाई। पुलिस के सामने कई गाड़ियों को और बैरिकेड को तोड़ दिया गया। अब इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मामले को लेकर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने कहा, कृपया अफवाहें ना फैलाएं, हम हर चीज की जांच कर रहे हैं, हम वहां मौजूद हर व्यक्ति को लगातार पूछताछ कर रहे हैं। भाजपा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बर्बरता पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। सत्तारूढ़ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आरजी कर अस्पताल में गुरुवार तड़के हुई गुंडागर्दी ने सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने पुलिस से प्रत्येक अपराधी को उनकी राजनीतिक जुड़ाव की परवाह किए बिना एक दिन के भीतर गिरफ्तार करने को कहा। कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि भीड़ ने रात में बर्बरता से हमला किया, लेकिन जूनियर डॉक्टर के साथ पूर्व बलात्कार और हत्या के अपराध स्थल पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाई। कोलकाता पुलिस ने कहा कि अपराध स्थल सेमिनार रूम है और इसे छुआ नहीं गया। झूठे समाचार ना फैलाएं, हम अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में मौजूद रहे। हालांकि उनको पीछे बैठाने के मामले पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी एलओपी के रूप में उनके 50 दिनों को मार्क करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। रिपोर्ट में संसदीय बहसों, प्रेस ब्रीफिंग, जमीनी स्तर पर जुड़ाव और सार्वजनिक आउटरीच पहल में गांधी की सक्रिय भूमिका को दर्शाया गया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने 50 दिनों के भीतर गांधी ने संसद में 9 भाषण दिए, 5 संवाददाता सम्मेलन किए, 9 राज्यों का दौरा किया और 25 अलग अलग नागरिक समूह के साथ बातचीत की, जिनमें दिहाड़ी मजदूर, किसान, भारतीय रेलवे के लोको पायलट और छात्र शामिल थे। ये बातचीत आर्थिक चुनौतियों से लेकर सामाजिक न्याय तक अलग अलग जमीनी मुद्दों को संबोधित करने पर गांधी के फोकस को बताती है। एलओपी के रूप में उन्होंने जिन प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला है, उनमें मौजूदा नीट परीक्षा विवाद, सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना, लंबे समय से लंबित जाति जनगणना का आह्वान और केंद्रीय बजट 2024-25 की तीखी आलोचना शामिल है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका से पता चलता है कि वो सरकार को चुनौती देने के साथ साथ लोगों के नेता के रूप में वैकल्पिक समाधान पेश करने का इरादा रखते हैं। लाल किले पर देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी के सीटिंग अरेंजमेंट विवादों में घिर गया। उन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों के बाद पीछे से दूसरी लाइन में बैठ सीट दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद ये कहा जाने लगा कि 233 सांसदों के प्रतिनिधि का अपमान किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस विवाद पर सरकार की तरफ से सफाई आई कि राहुल को पीछे की सीट इसलिए दी गई क्योंकि आगे की सीटें ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए रिजर्व थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया, अन्यथा प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता। पहली पंक्ति में जो मंत्री बैठे थे वो इस प्रकार हैं: केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन और शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस ने इस पर कहा है कि अगर ओलंपियंस का सम्मान करिए, विनेश फोगाट का भी करिए, लेकिन क्या ये मंत्री उनका सम्मान नहीं करते जो उनसे आगे बैठे हैं? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया।
इस दौरान कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे, लेकिन चर्चा इस बात की चल रही है कि राहुल गांधी को पीछे की सीट पर क्यों बैठाया गया, जबकि नेता प्रतिपक्ष को पहली सीट पर बैठाने की परंपरा ही है। कांग्रेस ने इस मामले में एतराज जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत छोटी मानसिकता और छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही दे देते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में पांचवी लाइन में बैठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा दिखाई है, लेकिन इससे जननायक को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है, सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे थे तो इन क्षुद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी कोई परवाह नहीं। रक्षा मंत्रालय का ये बयान सरकार को और बेनकाब कर रहा है। सच ये है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके मंत्री आंखें चुराते हैं और असहज हो जाते हैं। राहुल गांधी पांचवी लाइन में बैठे ये 50 में वो जननायक ही रहेंगे, लेकिन आप लोग इस तरह की गलीज हरकतें करना कब बंद करोगे? राहुल गांधी को पिछली लाइन में बैठाना चर्चा में बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कहीं बैठा हो चर्चा उन्हीं की होगी। राहुल गांधी संसद में 234 सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना अनुचित दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी अहंकार में अंधी हो चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने कहा है कि जिसकी संसद में सीट पहली पंक्ति में है उसे स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर पीछे बैठा है। क्या उचित ये बात है? अपेक्षा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कुछ कहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की है, इसे लेकर कई बार आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और इसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो एक तरह से कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। प्रधानमंत्री ने कहा इस गंभीर विषय पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ऐसे कानून जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हों, जो ऊंच नीच का कारण बनते हों, ऐसे कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कहा कि समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की ओर जाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 75 साल हमने कम्युनल सिविल कोड में बिताए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है। आज के उनके लाल किले के भाषण में ये पूरी तरह से दिखा। ये कहना कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा है डॉक्टर अम्बेडकर का घोर अपमान है। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिन्हें 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविक रूप दिया गया। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने काफी विरोध किया था। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमलों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित है, हम पड़ोसियों का सुख और शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो चिंताजनक है। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों में डर पैदा करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो, ये जरूरी है। वो बोले, मैं कहना चाहूंगा कि जब बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो वो मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी कृत्य करने वालों को सजा होती है तो वो खबर नहीं बनता। पीएम मोदी कहते हैं कि मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जब ऐसे कृत्य करने वालों की खबरें बने, ये डर बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि खबर तो दूसरी बन रही है, वो ये है कि राक्षसी काम करने वालों के जेल में जाने की नहीं बन रही है, बल्कि जेल से बाहर आने की बन रही है। उदाहरण के तौर पर आसाराम और राम रहीम पैरोल पर बाहर हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई गई। पीएम मोदी अपने हिसाब से कुछ कह रहे होंगे। लाल किले से पीएम मोदी ने देश में एक समय पर चुनाव कराने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब आतंकवादी देश में हमले करते थे, लेकिन अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। प्रधानमंत्री के इस भाषण पर कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पवन खेड़ा ने कहा कि साहब कितने ही साल इस पद पर रहें, इनका कद बढ़ ही नहीं सकता।
न इनके वैचारिक पूर्वजों को स्वतंत्रता दिवस से कोई मतलब था, न इनके मन में आज के दिन की पवित्रता की समझ है। पवन खेड़ा ने बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए कहा, हाँ संसद में हुआ हमला दुखदायी था, हाँ कंधार विमान अपहरण ने देश को दहला दिया था, लेकिन स्वर्गीय वाजपेयी जी के खिलाफ बोलने का ये कोई भी मौका नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि वाजपेयी जी ने कम से कम पठानकोट हमले के बाद ISI को निरीक्षण के लिए तो नहीं बुलाया था, ISI को क्लीन चिट तो नहीं दी थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्रांत भाषा और प्रदेश के लोग मिलकर एक सशक्त भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अनेकता में एकता हमारी ताकत है न कि कमजोरी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आज़ादी आसानी से मिल गई थी, बल्कि सच्चाई ये है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़कर भटकते रहे। संपन्न घरों के लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा जेलों में काटा। खड़गे ने कहा कि क्रांतिकारियों को याद करने और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की जगह आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, वो केवल नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विवेश का दिवस मनाते हैं। विनेश फोगाट को पदक नहीं मिला, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS के एक हेडॉक डिवीजन ने फोगाट की अपील खारिज कर दी। अपील खारिज किए जाने के बाद पहलवान की ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने की उम्मीद खत्म हो गई। फिलिस्तीनी नवजात जुड़वा बच्चों की हत्या कर दी गई। मोहम्मद अबू अल कुमसन ने अपने नवजात जुड़वा बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र लिया ही था कि उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और माँ के साथ गजा अपार्टमेंट पर इजरायली हमले में बच्चे भी मारे गए। उन्होंने लेमिनेटेड दस्तावेज लहराए, उन्हें एक व्यक्ति ने पकड़ रखा था जब वो मुर्दा घर में रो रहे थे और जहाँ उनके शव लाए गए थे। गुरुवार को होने वाले गजा युद्ध विराम समझौते की वार्ता पर हमास के शामिल होने की संभावना ना के बराबर है, और अगर हमास शामिल नहीं होगा तो समझौते की उम्मीदें कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इससे पहले ईरान की ओर से कहा गया था कि वो वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। अब देखते हैं इस वार्ता का नतीजा क्या रहता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।